हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद है, हम उनसे थोड़ा सा पूछते हैं इस एरिया के बारे में भी, और वो यहाँ के लोकल पर्सन का यहाँ पे टेंट सर्विस भी है, तो चलें उनसे बात करते हैं। सलाम वालेकुम वाले सलाम जी, अपना तारफ करवा दें और थोड़ा बताएं आपका क्या जी। सर्विस मेरा देते हैं। नाम शेर जमान है, ये टेंट विलेज मैंने रखे हैं 5 6 7 साल हो गए इसको। जी, 40 50 आदमी 60 आदमी भी आ सकते हैं इसमें। अच्छा, तो ये हर चीज़ की सहूलत है इधर, साफ बिस्तरे हमारे पास मार्केट भी बनाई हुई है, हमने दुकान भी बनाई हुई है, सारी चीज़ रखी हुई है इसमें, और किचन भी हमारा है। तो उसके बाद ये अबशार है सामने। अच्छा, तो बाकी ये जो खाने का क्या सीन होता है, मतलब आप ऑर्डर पे बनाते हैं? खाना ऑर्डर पे होता है, हम ऐसे बना कर नहीं रखते हैं। अच्छा, खाना जो ऑर्डर देते हैं हम बना के उनको देते हैं, है ना। और हर किसी का खाना बनता है क्योंकि ये रिमोट एरिया है, तो यहाँ पे कुछ वॉशरूम वगैरह की कोई फैसिलिटी है? वॉशरूम भी है, ये बनाया हुआ है नीचे, ये दरिया के साथ बनाया हुआ है। अच्छा, ये एक टेम्पररी साइट बनाया हुआ है, ये बड़ी सहूलत है यहाँ पे इस ऐसे इलाके में। अच्छा, थोड़ा सा इलाके के बारे में बता दें, ये कौन सी जगह है और क्या है इसका? ये शोंट वैली बेस कैंप हरी पर्वत, ये हरी पर्वत है, अभी ये सामने में बादल है इस पर, ये बेस कैंप है इसका ये, और ये जो सामने आबशार आ रही है, ये वाली शोल्डर वैली की आबशार सबसे बड़ी आजाद की सबसे बड़ी आबशार है। अच्छा अच्छा, और उसके बाद ये ट्रैक आप देख रहे हैं ऊपर नज़र आ रहा है, ये आस्तौर टॉप का ये रास्ता जाता है, ट्रैक जाता है इसका ऊपर, और ये ऊपर बॉर्डर है इसकी, इसके पीछे आ गया आस्तौर का एरिया, गलगत एरिया आता है ये आखिरी, और ये नाला पीछे जाए, ये नाला पीछे सर वाली टॉप आती है उसके पीछे, काफ़ी दूर है ये, 2-3 आज़ाद कश्मीर की सबसे ऊँची चोटी है। तो यानी आपके पास ये कितने 4-5 टेंट है यहाँ पे भी? ये 5 टेंट है हमारे पास, और भी रखे हैं हमने अपने पास। तो फैमिली सिस्टम अगर कुछ हो, फैमिली के लिए भी हमारे पास कैंप लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है जी, तो चार्जेस क्या कुछ बता सकते हैं? चार्जर बस मुख्तलिफ है, बड़ा कैंप है जो उसमें 20 से 25 आदमी आते हैं। अच्छा, तो बिस्तर के हिसाब से लेते हैं, ये दूसरे कैंप के 2,000 रुपया लेते हैं हम। यानी कि ऐसी रिमोट जगह पे 10,000, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, छोटा जो कैंप है उसका 1,500 रुपया लेते हैं। अच्छा सही है, तो वो जो व्हाइट वाला टेंट है उसमें कितने बंदे आ जाते हैं? वो तो व्हाइट वाला के पीछे, हाँ वो उसमें 6-7 आदमी आ गए। इसको तकरीबन रफली कितने है? ये ऊपर नीचे 2,000। अब देखें 2,000 रुपये 4-5 लोग आ जाएं ऐसे पहाड़ की चोटी पर 10,000 फुट बंदी पे, ये आपको कहीं भी रेट नहीं मिलेगा। और ये सामने जो है वादी शोफर का दरिया है, और यहाँ पे गाड़ियों का क्या सीन है, कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं, इधर आ सकती हैं? 4x4 गाड़ी आती है, जैसे आप देख सकते हैं बाइक भी आते हैं और 4x4 गाड़ी भी आती है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? लोग आते भी हैं और मजीद भी आना चाहिए लोग। और यहाँ ये किस तरह है, डिस्टेंस कितना है, और इलाका सेफ है नहीं है क्या? नहीं, ये सेफ है इलाका, मसला कोई नहीं है। खेल से कितना दूर होगा ये, कितने किलोमीटर होगा? ये तकरीबन 20 किलोमीटर होगा। अच्छा, और कितना टाइम लग जाता है? 2.5-2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। सही है, ठीक है। तो और कुछ आप ऐड करना चाहें? बस और क्या है, रिकमेंड करें आप लोगों को कि यहाँ पे, हम खुद भी कहते हैं कि यहाँ पे आए, पुरमन जगह है, लोग बहुत पुरमन है, यहाँ पे कोई चोरी का कोई तैयारी है। अभी जुलाई है, जुलाई में बर्फ देखें आप इधर कितनी बर्फ। आप ये देखें यहाँ पे सामने आपके हरी पर्वत हो, और अच्छा यहाँ से जा सकते हैं? ये ट्रैक जाता है ना इधर से, ये वो आगे से जाता है आगे पाप से। अच्छा अच्छा जी, ये ट्रैक है, यहाँ से जा सकते हैं? ये थोड़ा लंबा होगा या छोटा पड़ेगा वहाँ उसके साथ? उससे वो लंबा है, अपना हॉर्स वाला लंबा है, ये शॉर्टकट। अच्छा, ये शॉर्टकट है। तो ये एक और एडिशन है जी हमारे साथ, यहाँ से आप जो है चिट्टा कट्टा हाइकिंग के लिए यहाँ से जा सकते हैं, अस्तौर टॉप भी जा सकते हैं, गलगत भी जा सकते हैं इधर से। जी जी जी, सही हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा दिखाते हैं हमें आपका टेंट। ये हमारा किचन है, इसमें खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं। अच्छा, सर ठीक है, यहाँ पे लाइट सिस्टम, ये लाइट है, सोलर सिस्टम है। अच्छा जबरदस्त, ये ठंडा पानी ना आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ठंडा पानी आता है फ्रेश। और एक टेंट हमारे पास यहाँ पे, ये जो है एक टेंट है इसके। अच्छा, ये दुकान है, ये दुकान है यहाँ पे ना, जो ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें हैं वो मिली जाती हैं 10,000 फुट बुलंदी पर। आप देख सकते हैं ये टेंट में, ये हमारी दुकान है, इसमें बोतलें हर चीज़ें खाने के लिए मिलती है, ये बेसिक चीज़ें जो है तकरीबन सब मिल जाती है, लेते हैं गाड़ी जाती है शाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद जी हमारे पास एक दूसरा टेंट है, हम इसके अंदर जाकर आपको दिखाते हैं क्या इसका फुल ग्रीन, लश ग्रीन ग्रीनरी के अंदर है हमारे पास।
देख सकते हैं जबरदस्त, इसमें 5-6 आदमी आसानी से आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल बड़ा सेम मास्टर। यहाँ पे बैठने की जगह बनाई हुई है, छोटा टेंट था कैंपिंग वाला, वो यहाँ पे लगा हुआ है, ऑलरेडी हायर्ड है। और बाकी जो है ये है, ये देख सकते हैं आप, इनको गद्दे आप एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, जो बंदे अगर 4-5-6 आ जाए ना, हम दे देते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, जबरदस्त वो है, बड़ा वाला कैंपिंग जो है यहाँ पे सबसे बड़ा है, जो इसमें 15-20 लोग इजी भी आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा लाइट नहीं है, इधर थोड़ा अंधेरा है, अंधेरा भी है, इसमें मगरब का टाइम है। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में 25-30 लोग आराम से आएंगे। बड़ा जबरदस्त फुल लाइटेड, आप बाहर से देखिए ऐसे आपको नजर आ जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से देखें आप, ये इतना बड़ा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है और बुनियादी सहूलतें तकरीबन सब हैं। बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जुलाई में आ जाए, जुलाई में ये एरिया सारा फूलों से भरा होता है, सब फूल ही फूल होते हैं। जी जी, तकरीबन 20 दिन के बाद सही हो गया। अभी भी टूरिस्ट नजरात शुरू हो गए हैं ना? हाँ, अभी भी आए हुए हैं हमारे पास लोग आए हैं, और बहुत अच्छा होता है। गाड़ी ठीक सीधा कैंप पे आती है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ हमारे दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े दूर से आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम और कहाँ से आप आए? मेरा नाम अहमद हसन है और मैं पाकिस्तान पंजाब सहीवाल से आया हूँ। अच्छा, और आप? मैं मोहम्मद इजाज हूँ, सहीवाल से आया हूँ। अच्छा, तो पंजाब से आप आए इतने दूर से। जी जी, तो कैसा लगा आपको, ओवरऑल बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप बात करें तो मतलब कश्मीर वैसे ही जैसे मशहूर है, ये जन्नत है। और दूसरा, जैसे जैसे हम कश्मीर के आखिर मतलब दाखिल हुए, खूबसूरती नज़र आई, जैसे जैसे हम आगे गए खूबसूरती बढ़ती गई। और आप ये समझ लें कि हम शायद किसी कश्मीर के आखिरी कोने में खड़े हैं इस वक्त, तो ऐसे इसके बाद गिलगित शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल समझ लें कि इंतहा है खूबसूरती की। हम थोड़ा तावबट भी गए हैं आगे, वहाँ हम देखे, हमने मनाजिर देखे, बहुत खूबसूरत थे। तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, फिर लोगों से मिले, ख़ास तौर पे जो इस तरह लोग रहते हैं ना, मतलब गांवों से दूर, अपने मतलब आबादियों से दूर, वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत मेहमान नवाज, आपको पास बिठा के आपसे बातें करने वाले, खाना खिलाने वाले आपको। इस तरह हमें लोग मिले, लोग बहुत अच्छे, खाना उन्होंने अपने जैसे ताऊबट में अपने टीचर के पास रहे, उन्होंने हमें अपना अपने खाने बना के खिलाए, वो भी मज़ेदार थे। यहाँ के तवाज़ा अगर से हमारा वहाँ टेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये है कि यहाँ के तवाज़े बहुत मज़ेदार हो खाने। तो और उसके बाद हम ताऊबट फिरे, वो खूबसूरत लगा। जब यहाँ आए तो अब यही रास्ते में ये सोच रहा था कि भूल गए हमको थोड़ा सा रोड के बारे में, क्या सोचते हैं? हाँ, रोड है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम थोड़ा शौक रखते हैं फिरने का, तो एडवेंचर करते हैं। हाँ, एडवेंचर का, तो फिर वो जब जितनी मुश्किल उतना ज्यादा मजा। आज आपका पहला दिन है यहाँ पे? जी बिल्कुल, अभी हम पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह कल का दिन यहाँ गुजारेंगे, इसके बाद फिर हम वापस दूसरी झील देखने जाएंगे। अच्छा, कश्मीर के दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में आप गए, किसी दूसरी जगह वादी नीलम के अलावा? हाँ, मैं कोटली रहे, मीरपुर हम फिरे हैं, उसके जो रस्ते में जितने आते हैं। तो आप कैसा रेट करते हैं ओवरऑल कश्मीर में जब घूमे नीलम को दूसरों के हिसाब से एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन? हाँ, अगर हम वो जो दूसरी लाइन है कोटली वाली और मीरपुर वाली, उससे ज्यादा बेहतर ये लाइन है, ये जो मतलब पूरी लाइन चल रही है ना। अच्छा, और आप मरी साइड पे कभी एक्सपीरियंस हुआ आपको? मरी वहाँ पर कभी, कभी रुके ही नहीं, रुके नहीं, कोई इंटरेक्शन अभी लोगों के साथ वहाँ? नहीं, हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि हमें पता था ज्यादा खूबसूरती यहाँ होती है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हम ज्यादा आगे आगे ठहरते हैं और पीछे रुकते ही नहीं। असल में मरी के लोग थोड़ा सा बदनाम हो चुके हैं, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं और भी हैं। बदनाम के अलावा वो जो जुमला नहीं है कि मलका को हसार मरी पता नहीं, वो जो जिस शायर ने वो जिस अदीब ने लिखा है वो यहाँ फिरा ही नहीं है, यहाँ वो आया ही नहीं है, पता नहीं उसने कैसे जुमला लिख दिया है। सही, जो ऊपर सामने पहाड़ है ये हरी पर्वत है, हरी पर्वत। जी जी बिल्कुल, अभी इसके ऊपर धुंध है, तो इधर साइड पे जो है ना वो उधर जाएंगे तो उसके बैक साइड पे चिट्टा कटरा लेक है। अच्छा, इसके बैक साइड यहाँ से भी है, और एक जो है वो आगे जो हौज नीलम पॉइंट था ना, सही वहाँ से। और कोई मैसेज देना चाहिए आपने पाकिस्तान के लोगों को इस इलाके के बारे में, ये शॉर्ट वैली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम आए, हमें बहुत अच्छे लोग मिले, एक तो आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलने आए, और दूसरा ये कि आप जब कुदरती निज़ाम में नेचर के पास आते हैं तो आपका ताल्लुक अपने रब से, अपने मालिक से मजबूत होता है। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए, और जैसे बंदा जहाँ की मुश्किल जब सहता है तो बाकी दुनिया में सर्वाइव करना उसके लिए आसान होता है, जैसे जैसे यहाँ मुश्किल में वो रहता है। तो आए यहाँ की ज़िंदगी इंजॉय करें, और खास तौर पे उस तंदूर से निकल गए यहाँ। और जुलाई में भी जो वेदर कंडीशन है यहाँ पे, अभी जैकेट की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, हमने जैकेट की तो नहीं पड़ रही है। तो क्या मतलब ऐसा कहीं और हो सकता है? ऐसा नहीं है, आप बताइए ना, कुछ घंटों की मुसाफत पे आपको जैकेट पहननी पड़ रही है, कुछ घंटों के बाद उसमें आपको सारी चीज उतारनी पड़ती है, रात को शायद कंबल एक दो आपको। बिल्कुल, कंबल पता नहीं क्या कुछ ओढ़ना पड़ेगा, हम तो लगता है इसी में सोएंगे। और ये जो पानी है सारा, ये सब साफ पानी आप पी सकते हैं चश्मे के। अच्छा, ये सारा चश्मे यहाँ से निकलता है? सही है, ये पत्थर के पीछे से निकलता है। हम तो खैर इधर लोकल, इधर हमारे बच्चे थे, खेलते थे इधर। अच्छा, तो उसके बाद अभी टूरिज्म हो गया सिस्टम, तो अभी बस हम लोग भी दूर हो गए, हम भी अभी टूर पे ही आए हैं। अच्छा, आप भी दो दिन हो गए, हम भी बस अभी बहुत कम आते हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हम आपको वेलकम करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से अगर आपके साथ कुछ हो सके, कुछ खाना पीना या कुछ रिफ्रेशमेंट, एहसास की बात होगी। बस आपका वक्त है ना, हमारे लिए ही एहसास की। आप खुश रहें इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सफर होगा खुशगवार गुजरेगा। और अगर आपने वापस इधर ट्रैक पे जाना हो तो आगे स्टोर साइड भी है यहाँ से, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, और वो 5-6 घंटे में वॉक है, हाइकिंग है, सही वो 15-16 हज़ार सोलह हज़ार फीट ये 10 है मेरे ख्याल में, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।